इलेक्ट्रिकल के क्वार्टर वन के नतीजे आ गए। चलिए स्टैंड ऑफ बेसिस पे कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा आपको लाख में शो होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे इनकम तो 87 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में जनरेट की, पिछले क्वार्टर में 131 करोड़ की इनकम थी, एक साल पहले 67 करोड़ की इनकम थी। तो इनकम यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर घटी है लेकिन साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एक्सपेंस देखते हैं तो 80 करोड़ का एक्सपेंस इस क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ का एक्सपेंस था, एक साल पहले 64 करोड़ का एक्सपेंस था। तो एक्सपेंस यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर घटा है, साल दर साल देखेंगे तो एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 6 करोड़ 47 लाख का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 8 करोड़ 88 लाख का प्रॉफिट है, एक साल पहले 2 करोड़ 37 लाख का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर क्वार्टर प्रॉफिट कम है, साल दर साल प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट फॉर दिस पीरियड देखेंगे 4 करोड़ 75 लाख का प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ 23 लाख का प्रॉफिट था, एक साल पहले 1 करोड़ 71 लाख का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे प्रॉफिट जो है क्वार्टर क्वार्टर कम हुआ है, साल दर साल देखेंगे प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। स्टैंड लोन देखा तो उतने अच्छे नतीजे देखने को नहीं मिले क्योंकि क्वार्टर क्वार्टर नतीजे उतने अच्छे नहीं है। अगर हम चेक करते हैं कंसोलिडेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि यही होता है, तो अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इनकम देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो एक्सपेंस भी वही सिनेरियो है, क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो भी क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। और अगर आप फाइनल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो वो भी क्वार्टर क्वार्टर कम है, साल दर साल ज़्यादा है। तो मिले जुले नतीजे आ रहे हैं उसी तरह से जैसे स्टैंड लोन में है वैसे इसमें है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो इनका अर्निंग पर शेयर भी कम हो चुका है क्वार्टर क्वार्टर, और साल दर साल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो नतीजे अच्छे नहीं है, आप स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नतीजे आए हैं वो कितने बजे आए, एक सेकेंड, ऑलमोस्ट जो नतीजे हैं वो 11 तारीख को हमें 1:53 के आसपास अनाउंस होते हुए देखने को मिले। यानी कि जब मार्केट खुला हुआ था, मार्केट ओपनिंग मतलब कि जब मार्केट खुला हुआ था 1:53 के आसपास नतीजे आए हैं, यानी जो भी प्रतिक्रिया होगी उसी टाइम देखने को मिल गई होगी। चलिए चेक करते हैं चार्ट पे। जो स्टॉक पहाड़ की तरह ऊपर चढ़ रहा था और ऐसा फील करा रहा था कि 80 तक फिर से आएगा, उस स्टॉक में थोड़ा सा आपको रुकाव देखने को मिल सकता है, स्टॉक थोड़ा सा रुक सकता है। अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली कब गिरावट शुरू हुई है तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आज जैसे मार्केट खुला था गिरावट पहले ही हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद जब नतीजे आए हैं उसके बाद देखिए बहुत भयंकर वॉलीटिलिटी, बहुत भयंकर वॉलीटिलिटी 1:35 पे आए थे, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है वॉल्यूम भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है और तुरंत फिर गिरावट हुई है। मतलब सबसे पहला इंस्टेंस देखिए क्या हुआ है, गिरावट हुई है, फर्स्ट वॉल्यूम पे गिरावट है, उसके बाद स्टॉक ने फिर कवर किया, फिर नीचे आया। मतलब कि बहुत सारा लोग को समझ ही नहीं आया था क्या करना चाहिए, किसी को अच्छे लग रहे थे किसी को ख़राब लग रहे थे नतीजे, तो उसी हिसाब से आपको इतना ज़्यादा वॉलीटिलिटी आखिरी के समय में देखने को मिला है। अब देखिए यहाँ पे कहाँ तक स्टॉक आ सकता है, देखिए मुझे लगता है कि मंडे को जब स्टॉक खुलेगा थोड़ा सा इसमें गिरावट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉक 64 के आसपास तक आ सकता है, और अगर उससे भी ज़्यादा गिरावट होती है तो स्टॉक ऑलमोस्ट 60 के आसपास तक आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ज़रूर एक कमबैक करेगा स्टॉक, फिर से 70 रुपये के आसपास जाएगा, और अगर 70-76 ब्रेक कर देता है तो 80 के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। याद रखिए स्टॉक नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आराम से जाएगा, और इसका सबसे अच्छा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये वाला है, यहाँ तक स्टॉक आराम से जा सकता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको स्टॉक अगर आपको बेस्ट सिनेरियो में सेल करना है तो 90 रुपये का एक अच्छा भाव है जहाँ पे आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल टॉप स्टॉक बना देगा। अगर यहाँ पे 90 भी ब्रेक किया तो फिर तबाही मचा देगा, 150 तक चला जाएगा, ठीक है। तो मरी इलेक्ट्रिकल एक ऐसा स्टॉक है जो कि मतलब अभी अगर आप देखेंगे ना 1-2 साल में अगर आप देखेंगे, सब कह रहे थे इसमें ये बियर ट्रैप है, ये है वो है, कोई कह रहा था कि भाई तुम ऐसे बोलते रहोगे स्टॉक कभी परफॉर्म नहीं करेगा, तो आज वो सभी लोग गायब हैं, वो सभी लोग अब नहीं कमेंट करेंगे क्योंकि स्टॉक ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखा दिया है ना कि वो लोग की बोलती अभी बंद हो चुकी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि शेयर बाज़ार में पैसा अगर आप लगाया है तो पेशेंस भी रखना होगा, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे कप एंड हैंडल जैसा फॉर्मेशन भी इसमें हो सकता है, ठीक है। एक देखेंगे एकदम यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में बना है, अब उसके बाद रेजिस्टेंस ले करके अगर ऐसा जाता है ये हैंडल की तरह फॉर्म करता है और देन ये ब्रेक करता है तो मज़ा ही आने वाला है फिर, ठीक है। तो मैं बस यही चीज़ बताने वाला हूँ कि इसमें स्टॉक मार्केट में अगर आपको पैसा बनाना है तो आप सोचेंगे कि ये यहाँ पे आ गया है, ये बेकार स्टॉक है, आप ये सोचेंगे। लेकिन जो यहीं पे ख़रीदेगा और हिम्मत के साथ होल्ड करेगा तो ज़्यादा टाइम कहाँ हुआ है, 2022 से लेकर के 2023 मुश्किल से मुश्किल 1 साल 1 साल 6 महीना हुआ होगा, ठीक है। तो इतने कम समय में अगर आप देखेंगे स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया है, मैंने आपको बहुत बार समझाया है कि स्टॉक जो है ऐसा परफॉर्म करता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके वो अप ट्रेंड की तरफ मूव करता है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि किस वेव से वो
मोमेंटम देता है। तो अगर आप देखेंगे तो स्टॉक अगर ऐसे ऐसे चल रहा है तो उसका एक टाइम पे ये पीक आएगा, फिर एक और पीक आएगा, तो वैसे इसमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टॉक आराम से 90 तक जाएगा और काफ़ी तेज़ी से जाएगा। बस यहाँ पे 2-3 दिन स्टॉक में गिरावट हो सकती है या फिर 1 दिन मैक्सिमम गिरावट हो सकती है, क्योंकि नतीजे जो है अच्छे नहीं है, तो उसकी प्रतिक्रिया मार्केट में देखने को मिलेगी। उसके बाद स्टॉक फिर से 90 के लिए तैयार हो जाएगा। 90 मेरे हिसाब से इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और स्टॉक को बाय सेल करने की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने एनालिसिस के बाद ही बाय सेल करिएगा।